हेलो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आई एम महेश शर्मा। आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश लिटरेचर स्टैंडर्ड 6 लेसन 3। द नेम ऑफ द स्टोरी इज टैरोज रिवार्ड। टैरो यहाँ पर एक लड़का का नाम है जो बहुत ही मेहनती था, ओबीडियंट था। रिवार्ड का मतलब तो जानते ही हैं, पुरस्कार या इनाम। तो टैरो कौन सा ऐसा काम किया जिसके कारण इस कहानी का नाम टैरोज रिवार्ड दिया गया। तो आइए देखें कहानी के माध्यम से। ए यंग वुड कटर नेम्ड टैरो लिव्ड विथ हिज मदर एंड फादर ऑन ए लोनली हिल साइड। एक छोटा लकड़हार, टैरो नाम का एक लकड़हारा अपने माता पिता के साथ सुनसान पहाड़ी पर रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। सारा दिन वह जंगल में लकड़ी काटता। दाउ ही वर्क्ड वेरी हार्ड। हालांकि वह परिश्रम बहुत ज्यादा करता। बट ही अर्न्ड वेरी लिटिल मनी। परंतु वह कमाता था बहुत कम पैसा। दिस मेड हिम सैड। और इस कारण वह उदास रहता। फॉर ही वॉज ए थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरी थिंग दे नीडेड। हालांकि वह चिंतनशील लड़का था, विचारवान लड़का था और अपने माता पिता को जरूरत की हर चीजें पूरा करना चाहता था। वन इवनिंग व्हेन टैरो एंड हिज पेरेंट वेयर सिटिंग इन ए कॉर्नर ऑन देयर हट ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो। एक शाम जब टैरो और उसके माता पिता झोपड़ी के कोने में बैठे थे, तभी ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो। तभी जोरों की हवा चलने लगी, तेज हवा चलने लगी। इट विसल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट। और जो घास फूस का जो बना जो झोपड़ी था उसकी छिद्रों से जब हवा आती तो सीटी की तरह आवाज होती थी। क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरी वन फेल्ट वेरी कोल्ड। और हर कोई परिवार का जो था हवा आने से वेरी कोल्ड फील कर रहा था, यानी बहुत ठंडक महसूस कर रहा था हर कोई। सडनली टैरोज फादर सेड। अकस्मात टैरो के पिता ने कहा, आई विश आई हैड ए कप ऑफ शेक। शेक एक बहुत ही कीमती पेय पदार्थ होता है, कॉफी की तरह। तो अचानक टैरो के पिता की के मुंह से ये आवाज़ आई कि मुझे इच्छा है कि एक कप शेक रहता। ईट वुड वार्म मी। यह मुझे गर्मी प्रदान करता एंड डू माई ओल्ड हर्ट गुड। और मेरे पुराने दिल को यह जरा अच्छा कर देता। नेक्स्ट, दिस मेड टैरो सैडर देन एवर फॉर द हर्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब होता है कीमती। तो जब टैरो ने यह बात सुना कि उसके माता पिता को शेक की आवश्यकता है थोड़ा, जो बूढ़े हृदय को, पुराने हृदय को मजबूत बनाता, तो वह बहुत उदास हो गया टैरो। और हाउ डू आई अर्न मोर मनी। और वह सोचने लगा कि मैं अधिक से अधिक धन रुपया कैसे कमाऊंगा। ही आस्क्ड हिमसेल्फ। उसने अपने आप से कहा, How do I get a little shake for my poor old father? How do I get मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ थोड़ा सा shake for my poor old father? मैं अपने गरीब पिताजी के लिए। He decided to work harder than before. और इसके लिए वह पहले से ज़्यादा परिश्रम करने के लिए ठान लिया। Next paragraph. नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जम्प्ड आउट ऑफ द बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। अगले दिन सुबह है, पहले से भी और सुबह जगा और पहले की भांति वह जंगल का रास्ता ले लिया। जैसा कि वह जंगल में जाकर के लकड़ियां काटता था, तो पूर्वत की भांति यानी पूर्वत से भी और पहले जंगल का रास्ता ले लिया। He chopped and cut. Chopped का माने भी होता है छोटे छोटे टुकड़े करना। वह लकड़ी को चुनता और काट करके छोटा करता।
चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड, और जब तक वह काम करते रहा लकड़ी चुनने का, जब तक कि सूरज ठीक सिर पर नहीं आ गया। सन क्लाइम्ड एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक अप ऑफ हिज जैकेट, और काम करते करते उसे इतनी गर्मी हो गई कि जो उसने जैकेट जो पहने हुए था उसे उतारना पड़ा। हिज माउथ वॉज ड्राई, काम करने से उसका मुंह सूख रहा था, प्यास का अनुभव कर रहा था। एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट, स्वेट का मतलब होता है पसीना, और उसका चेहरा पसीना से लथपथ हो गया था। माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट, और उसने सोचा कि इतना पसीना जो हमें चल रहा है, इतना गर्मी काश मेरे पिताजी के शरीर में हो जाता, उनमें गर्मी आ जाती, ऐसा उसने सोचा। ही थॉट इफ ओनली ही वाज एज वार्म एज आई, यानी मेरे समान वे गर्म हो जाते, उनका शरीर गर्म हो जाता जितना गर्मी मेरे अंदर आ गई काम करने से, काश ये गर्मी मेरे पिताजी के अंदर हो जाती तो शरीर का ठंडापन भाग जाता। एंड विथ दैट ही बिगैन टू चॉप इवन फास्टर, अब वह पहले से और जल्दी जल्दी लकड़ियां काटने लगा। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी, अतिरिक्त पैसे सोच करके, ही मस्ट अर्न टू बाई द सेक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स। ही मस्ट अर्न, वह अवश्य कमाएगा, द बाई द सेक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स, बूढ़े आदमी के हड्डियों में गर्मी लाने के लिए अतिरिक्त पैसा वह, यानी टैरो कहता है कि मैं अवश्य कमाऊंगा, एक्स्ट्रा मेहनत का चाहे क्यों ना करना पड़े। नेक्स्ट पैराग्राफ, देन सडनली टैरो स्टॉप्ड चॉपिंग, तब अचानक टैरो ने लकड़ी काटना बंद कर दिया। व्हाट वॉज द साउंड ही हर्ड, उसे कुछ आवाज सुनाई पड़ी, और वह आवाज को सुनकर के वह सोचने लगता है कि यह किस चीज की आवाज है। व्हाट वॉज दैट साउंड ही हर्ड, जो उसने आवाज सुना वह किस चीज का है। कुड इट पॉसिबल ही बी रसिंग वाटर, क्या यह बहते हुए पानी का आवाज है। टैरो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीन और हियरिंग ए रसिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, लकड़ी काटने के क्रम में टैरो को यह भूल गया कि जंगल के उस भाग में झरना है और यह उसी झरने से पानी बहने की आवाज है, यह काम करते करते उसने भूल गया था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स, एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स, उसने अपने हाथों से कुल्हाड़ी गिरा दिया। एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वह उस दिशा में दौड़ पड़ा जिधर से आवाज आ रही थी, यानी आवाज इधर से आ रही थी उसी दिशा में वह दौड़ पड़ा। नेक्स्ट पैराग्राफ, टैरो सा ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड ए रॉक, टैरो ने देखा एक सुंदर छोटा झरना चट्टान के पीछे छिपा हुआ। तब नीलिंग एट ए प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, तो जहां पर झरना बह रहा था वहां पर जाकर के नीलिंग एट द प्लेस, एक स्थान पर जाकर के झुकता है, जैसे लोग पानी पीने के लिए नील डाउन होता है थोड़ा झुकता है, उसी प्रकार से वह भी झुका। नीलिंग एट ए प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड, जहां से पानी बह रहा था वहां पर झुका। ही कव्ड ए लिटिल इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स, उसने अपने हाथ में यानी चुल्लू में थोड़ा सा लिया उसका जल और उसे अपने होठों से लगाया यानी चखा। वाज इट वाटर, या यह जल था, और वाज इट सेक, या यह शेक है, शेक था। वह असमंजस में था कि यह पानी है या शेक है।
ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, वह उसे बार बार चखता है, एक बार नहीं अनेकों बार वह चखता है, एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस शेक, और हर बार वह महसूस करता है कि यह पानी नहीं यह तो शेक है, इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, ठंडे जल की जगह पर यह तो शेक है। टैरो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विथ हिम एंड हरीड होम। टैरो जैसा कि काम करने जाता था तो अपने साथ पानी लेकर के जाता था पहले, तो जो भी पात्र वह लिए हुए था उसमें उसको शीघ्रतापूर्वक भर लिया और दौड़ा दौड़ा अपने घर आया, हरीड होम। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विथ द शेक, उसका जो बूढ़ा जो बाप था पिता था वह बहुत डिलाइटेड बहुत प्रसन्न हुआ खुश हुआ शेक पा करके। आफ्टर ओनली वन स्वैलो ऑफ द लिक्विड, लिक्विड जो तरल पदार्थ लाया था शेक टैरो, उसका एक घूंट मात्र लेने से ही क्या हुआ, ही स्टॉप्ड, उसका रुक गया क्या शिवरिंग, जो ठंडा से जो कांप रहा था जो कपकपी समाये हुआ था वह शिवरिंग उसका स्टॉप्ड हो गया, कपकपी दूर हो गई, एंड डीड ए लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और फर्श के बीचों बीच थोड़ा वह मस्ती में झूमने लग गया, झूमने लगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट आफ्टरनून यानी उस दोपहर बाद, ए नेबर स्टॉप्ड बाई फॉर ए विजिट, पड़ोसी देखने के लिए आया, टैरोस फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर ए कप ऑफ द शेक, टैरो के पिता ने पोलाइटली यानी विनम्रता पूर्वक भेंट में दिया शेक थोड़ा सा एक प्याली, द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली, तो जो औरत थी रुकी हुई जो आई थी वह कैसे पी शेक को, तो ग्रीडली ललचाई हुई जैसे ऐसे उसे कभी मिला नहीं हो, ललचाई हुई वह शेक को पी, एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन, और बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया, देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, तब टैरो ने जादुई झरने की कहानी बताई, थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, इस स्वादिष्ट ड्रिंक के लिए पेय के लिए धन्यवाद उन्हें दिया, और धन्यवाद देने के बाद सी लेफ्ट इन ए हरी, वह शीघ्रतापूर्वक उसके घर से चली गई, बाई नाइट फॉल सी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, और रात बीतने के पहले यानी रात बीतते बीतते वह सारे गांव में इस कहानी को फैला दी, नेक्स्ट होल विलेज में फैला दी कहानी को शेख वाली। दैट इवनिंग देयर वॉज ए लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स ऑफ द वुड कटर्स हाउस, उस शाम एक लंबा प्रोसेशन हो गया था यानी सभा लग गई थी उसके यहाँ विजिटर्स की, देखने वालों की, किसके यहाँ, वुड कटर्स हाउस, उस लकड़हारे के घर देखने वालों की तांता लग गई, बहुत से लोग आ गए देखने के लिए कि उसके यहाँ शेक आया है, जरा चल करके चखते हैं उसे। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, हर आदमी ने उस वाटरफॉल के झरने की कहानी सुना, एंड टूक ए सिप ऑफ द शेक, और थोड़ा थोड़ा शेक लिया। इन लेस देन एन आवर द पिचर वॉज एम्प्टी, और इन लेस देन एन आवर, और घंटे भर के अंदर वह घड़ा जो भर करके लाया था टैरो खाली हो गया, यानी कि घूंट में इतना भीड़ लग गया लोगों की कि वह घड़ा शेक से खाली हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, उस दिन टैरो पहले से भी पहले
उठा और जंगल में अपना काम करने के लिए चल दिया। ही कैरिड विथ हिम द लार्जेस्ट पिचर ही ऑन्ड। अब उसके यहाँ जितना बड़ा जो घड़ा था वह घड़ा अपने साथ ले लिया। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द वाटर फॉल। और सबसे पहले वह झरने के पास गया। When he reached it, और जब वह वहाँ पहुँचा, टैरो वहाँ जब झरने के पास पहुँचा, he found to his great surprise, तो वह उसे बड़ा आश्चर्य लगा, क्या कि all his neighbor there, कि उसके जितने भी जो पड़ोसी थे वहाँ पहले से ही मौजूद थे। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink, तब एक जो गांव का था वह पानी पीने के लिए झुकता है जरा सा और उसे उसका जल लेकर के अपने होठ से लगाता है, वाटरफॉल टू ड्रिंक, और उसे पीने के लिए लगाता है। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, वह एक बार नहीं बार बार पीता है। एंड देन शाउटेड एंग्रीली, और तब वह गुस्से में भर करके चिल्लाता है, वाटर, नथिंग बट वाटर, और चिल्ला कर कहा कि अरे ये तो केवल पानी है, सेक नहीं है, पानी के सिवाय कुछ नहीं है, नथिंग बट वाटर। अदर ऑल्सो ट्राइड, तो उसकी बातों पर लोगों को भरोसा नहीं हुआ, दूसरा भी गया वह चखा कि सच कह रहा है कि झूठ कह रहा है। अदर ऑल्सो ट्राइड, दूसरे ने भी प्रयास किया, बट देयर वाज नो सेक, परंतु वह सेक नहीं था, ओनली कोल्ड वाटर, सिर्फ सादा ठंडा जल था। नेक्स्ट, वी हैव बीन ट्रिक्ड, माने हम सब ठगे गए हैं, हम सबको ठग लिया है। शाउटेड द विलेजर, ग्रामीण ने चिल्ला करके कहा कि टैरो हम सबको ठगा है, झूठ बोल करके कि सेक है सेक है, ये तो केवल कोल्ड वाटर है। वेयर इज टैरो, सब लोग टैरो को खोजने लगे, कहाँ टैरो है, लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल, इसी झरने में उसको हम लोग डुबा दें। बट टैरो हैड बीन वाइज, परंतु टैरो जो था वह बुद्धिमान था। एनफ टू स्लिप बिहाइंड ए रॉक, वह चट्टान के पीछे छिप गया। व्हेन ही सा हाउ थिंग वेयर गोइंग, और छिप करके क्या क्या हो रहा है, सारी चीज को चट्टान के पीछे से छिप करके देखता रहा। ही वाज नो वेयर टू बी फाउंड, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चला, यानी गांव वाले लाख प्रयास किए खोजने का, लेकिन उसे नहीं खोज पाए। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, तो गुस्से में बुदबुदाते हुए और ना मिला जब टैरो, तो निराश पूर्वक द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाई वन, तो एक एक करके सारे विलेजर उस स्थान को छोड़ दिए, यानी वहां से चले गए सारे विलेजर गांव वाले। टैरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, तो टैरो अपने छिपे हुए स्थान से बाहर आया और अब उसे लगा कि सचमुच में यह सादा जल हो गया। वाज इट ट्रू, क्या यह सत्य था। ही वांडर, वह हैरान था। वाज द सेक ए ड्रीम, क्या सेक वाला बात ये सपना था, ड्रीम मात्र रह गया, स्वप्न रह गया ये। वंस मोर ही कॉट ए लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स, अब ग्रामीणों की बात पर उसे विश्वास नहीं था, तो टैरो ने फिर उसमें अपना हाथ लगाया वाटरफॉल में और एक कप लिया और अपने होठों से लगाया, यानी चखा उस जल को कि सचमुच में क्या जल है। इट वॉज द सेम फाइन सेक, परंतु जब यह जब चखा तो इसे फिर सेक हो गया। टू द थॉटफुल सन, यानी चिंतनशील लड़का के लिए, द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस शेक, यह जादुई झरना जो था यह शेक दिया, क्योंकि लड़का चिंतनशील मेहनती था, लेकिन और जो गांव वाले थे वे मेहनती नहीं थे, वे ऐसे ही पा लेना चाहते थे। तो जब गांव वाले वहां गए तो उनके लिए झरना सिर्फ सादा जल बन गया, और जब टैरो जब वहां पर आता तो उसके लिए वही जल शेक बन जाता। टू एवरी वन इल्स,
इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, यानी बाकी सब के लिए वह केवल ठंडा जल था। लास्ट पैराग्राफ, द स्टोरी ऑफ टैरो एंड द मैजिक वाटरफॉल रीच्ड द एम्परर ऑफ जापान। अब इस जादुई झरने की कहानी जापान के राजा के पास पहुंचा, टैरो और वाटरफॉल की कहानी जापान के राजा के पास गया। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवार्डेड हिम विथ 20 पीसेज ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। तो ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर, वह उस छोटे से लकड़हारे के लिए, एंड रिवार्डेड हिम अप विथ 20 पीसेज ऑफ गोल्ड, और 20 स्वर्ण मुद्राएं उसके लिए इनाम में भेजे इतने अच्छे और दयालु बनने के लिए। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टैरो, और टैरो के बाद उस झरना का नाम सबसे सुंदर नगर भर में दिया गया, मैजिक वाटरफॉल दिया गया, सबसे सुंदर नाम उसका। दिस सेड द एम्परर वाज टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रेन टू ऑनर एंड ऑबे देयर पेरेंट्स। इस प्रकार जापान के जो सम्राट थे, राजा थे, वे सभी बच्चों को उत्साहित कर रहे थे, इसलिए अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए और उन्हें सम्मान करने के लिए, यानी सभी बच्चों को अपने माता पिता की आज्ञा को मानना चाहिए और उन्हें सम्मान करना चाहिए, ये जापान के राजा ने इनाम स्वरूप कहा और उसके लिए बहुत सारे स्वर्ण मुद्राएं इनाम में भेजे कि हर बालक को अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए और सम्मान करना चाहिए। थैंक यू। इट्स द स्टोरी, इट्स मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर विल बी सेंड टू व्हाट्सएप। प्लीज चेक इट एंड राइट डाउन। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे हेल्दी।